हेलो बच्चों। तो बच्चों, पिछले के पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बर्नौलीज प्रिंसिपल पढ़ा था, और उसके बाद जो पिछला लेक्चर हमने किया था उसमें हमने टॉरिसलीज लॉ पढ़ा। टॉरिसलीज लॉ में बेसिकली हमने बर्नौलीज प्रिंसिपल को अप्लाई किया था, यानी वो एक तरीके से बर्नौलीज प्रिंसिपल का एप्लीकेशन था। अब आज हम लोग वेंट्यूरी मीटर करने जा रहे हैं, और वेंट्यूरी मीटर जो है वो भी बर्नौलीज प्रिंसिपल का एक एप्लीकेशन है। यहां पर भी हम लोग बर्नौलीज प्रिंसिपल को अप्लाई करेंगे। क्लियर है? तो क्या होता है वेंट्यूरी मीटर? बच्चों, वेंट्यूरी मीटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि किसी भी एक ट्यूब में फ्लो कर रहे हुए इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड के स्पीड को कैलकुलेट करके बताता हूं। वेंट्यूरी मीटर क्या है? वेंट्यूरी मीटर इज अ डिवाइस जो कि एक ट्यूब में फ्लो करने वाले इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड के स्पीड को आपको कैलकुलेट करके बताता है। किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं? तो वेंट्यूरी मीटर में एक ट्यूब होता है, ठीक है, जिस ट्यूब में रो डेंसिटी का कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है। क्या है? वेंट्यूरी मीटर में एक ट्यूब है जिसमें रो डेंसिटी का कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है, और इस वेंट्यूरी मीटर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कैपिटल ए के बराबर है। क्या बच्चों? इस वेंट्यूरी मीटर में क्या है? एक ट्यूब है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया कैपिटल ए है, और इसके अंदर रो डेंसिटी का जो फ्लूइड है वो V1 स्पीड के साथ फ्लो कर रहा है, राइट? और हमने क्या किया है कि बीच में कहीं पर इस ट्यूब को हमने कहीं पर कंप्रेस कर दिया है, कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया है। तो जो कंस्ट्रिक्टेड रीजन है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया स्मॉल ए, यानी आप समझ सकते हैं कि स्मॉल ए जो है इट इज लेस देन कैपिटल ए। तो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन क्या बताता है हमें कि भाई जहां पर आप क्रॉस सेक्शन एरिया को कम कर देते हो वहां पर फ्लूइड के फ्लो की जो स्पीड है वो इंक्रीज हो जाती है। तो वैसे तो नॉर्मली फ्लूइड आपका V1 स्पीड के साथ फ्लो कर रहे हैं, लेकिन कॉन्स्ट्रिक्टेड रीजन में उसकी स्पीड हो जा रही है V2। तो कॉन्स्ट्रिक्टेड रीजन में फ्लूइड की स्पीड ज्यादा होनी चाहिए, तो यानी कि यहां पर हो जाएगा कि V2 इज ग्रेटर देन V1, ये कंडीशन हमारा है। क्लियर है बच्चों? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, वेंट्यूरी मीटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि एक ट्यूब कंसिस्ट करता है जिसमें जो फ्लूइड फ्लो करता है, अगर एक इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लो करता है तो उस इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड के स्पीड को कैलकुलेट करके हमें वेंट्यूरी मीटर बताता है। कैसे? ये बर्नौलीज प्रिंसिपल पे आधारित होता है। इसमें एक ट्यूब है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया कैपिटल ए है, जिसमें रो डेंसिटी का फ्लूइड V1 स्पीड के साथ फ्लो कर रहा है, और बीच में कोई ऐसा रीजन है जहां पर कि हमने इस ट्यूब को कंप्रेस कर दिया है, कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया है कुछ इस तरीके से कि वहां पर उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो स्मॉल ए हो जाता है। तो जो कि स्मॉल ए कॉन्स्ट्रिक्टेड क्रॉस सेक्शन एरिया है, इसलिए जो स्मॉल ए है इट विल बी लेस देन कैपिटल ए। क्लियर है? अच्छा, अब भाई वैसे तो V1 स्पीड के साथ ये रो डेंसिटी का फ्लूइड फ्लो कर रहा था, लेकिन कॉन्स्ट्रिक्टेड रीजन में चूंकि क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो गया, इसलिए कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन के अकॉर्डिंग यहां पर जो स्पीड है V2 वो हमारी इंक्रीज हो जानी चाहिए, इसीलिए V2 स्पीड जो है इट विल बी ग्रेटर देन V1। ये बात आप लोगों को क्लियर है? यहां तक समझ में आ रहा है? अब हम लोग करते क्या है कि वेंट्यूरी मीटर में ना एक हम लोग ओपन ट्यूब मैनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। आपने ओपन ट्यूब मैनोमीटर के बारे में पढ़ा था, तो ओपन ट्यूब मैनोमीटर जो है वो यू शेप का एक ओपन ट्यूब मैनोमीटर है जिसके अंदर रो एम डेंसिटी का फ्लूइड प्रेजेंट है। इस ओपन ट्यूब मैनोमीटर के अंदर हम लोग कोई दूसरा फ्लूइड रखते हैं जिसकी डेंसिटी रो एम है, ठीक है? तो जैसे ही आप किस तरीके से रख रहे हैं इस ओपन ट्यूब मैनोमीटर को जिसके अंदर रो एम डेंसिटी की फ्लूइड है, आपको इस ओपन ट्यूब मैनोमीटर को कुछ इस तरीके से प्लेस करना है कि इस ओपन ट्यूब मैनोमीटर का एक एंड जो है, ठीक है, वो ब्रॉड एरिया वाले रीजन में कॉन्टैक्ट में हो, और जो दूसरा एंड है वो कॉन्स्ट्रिक्टेड वाले रीजन के कॉन्टैक्ट में हो, ठीक है? ये ब्रॉड वाले रीजन के कांटेक्ट में है और ये कॉन्स्ट्रिक्टेड वाले रीजन के कांटेक्ट में है। इसको मैंने रीजन 1 कह दिया है और इसको मैंने रीजन 2 कह दिया है। अब देखिए, यहां पर कुछ प्रेशर होगा और इस ओपन ट्यूब मैनोमीटर में कुछ प्रेशर होगा। प्रेशर
प्रेशर डिफरेंस की वजह से क्या होगा, जो फ्लूइड आपका यहां पर प्रेजेंट था अब वो ऊपर उठ जाएगा। और ये देखिए यहां पर फ्लूइड इस तरीके से प्रेजेंट है, यहां पर फ्लूइड इस तरीके से प्रेजेंट है, और ये बीच का रीजन आपका एम्प्टी हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा? फ्लूइड क्यों उठ रहा है? प्रेशर के डिफरेंस की वजह से। वैसे तो उस फ्लूइड पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, लेकिन प्रेशर के वेरिएशन की वजह से ऊपर की तरफ ज्यादा फोर्स लगता है, तो कुछ फ्लूइड इधर इस वाले साइड उठ जाएगा, कुछ कुछ फ्लूइड इस वाले साइड उठ जाएगा। तो लेफ्ट साइड में फ्लूइड का जहां तक राइज है और राइट साइड में फ्लूइड का जहां तक राइज है, उसके बीच का जो डिफरेंस है उसे हम लोग एच सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डिफरेंस एच। ठीक है, क्लियर है बच्चों? अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन के अकॉर्डिंग, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन के अकॉर्डिंग यहां पर जो वेलोसिटी स्पीड जो है और जो एरिया है, स्पीड और एरिया का प्रोडक्ट इस रीजन में और स्पीड ऑफ एरिया, स्पीड और एरिया का प्रोडक्ट इस रीजन में दोनों बराबर होने चाहिए। यानी v2 into small a should be equal to v1 into capital A। ठीक है, कहां से बच्चों? फ्रॉम कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। गलत तो नहीं लिख रहा मैं? From continuity equation क्या है? V2 into small a is equals to V1 into capital A। यहां से हम लोग लिख सकते हैं V2 is equals to capital A divided by small a into V1। यानी इस constricted region से जो fluid आपका flow कर रहा है उस fluid की velocity कितनी है बच्चों? Capital A upon small a into V1। जहां capital A इस रीजन का एरिया पता होगा आपको, स्मॉल ए इस रीजन का एरिया पता होगा आपको, और वी वन स्पीड अगर आपको गिवन है या वी वन स्पीड अगर आप जान जाते हैं, तो क्या आप पता लगा सकते हैं कि किस स्पीड से फ्लूइड यहां पर आपका फ्लो कर रहा है? पता लगा सकते हैं बच्चों? ठीक है, तो चलिए ये वी वन हम लोग जानना चाहते हैं, किस तरीके से जानेंगे जरा इसको हम लोग देखते हैं। देखिए बच्चों, मैं क्या कर रहा हूं, मैं इन दोनों रीजन में ना बर्नौलीज प्रिंसिपल अप्लाई करने जा रहा हूं। ऑलराइट, सो अप्लाइंग बर्नौलीज प्रिंसिपल। बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या कहेगा कि भाई यहां पर पहले आप लिखिए, और यहां पर दोनों जगह पर जो प्रेशर है, सपोज करिए कि हम कहते हैं कि इस रीजन में जो प्रेशर है उस प्रेशर को हम लोगों ने क्या कह रखा है बच्चों? यहां पर जो प्रेशर है वो रो है। कितना प्रेशर है फ्लूइड का? रो है। ठीक है, तो भाई हम कह लेते हैं रो प्लस हाफ रो इंटू वी वन स्क्वायर। क्या हो जाएगा बच्चों? प्रेशर डेंसिटी रो प्लस हाफ रो वी वन स्क्वायर। क्या हम लोग यहां पर हाइट को कंसिडर करेंगे बच्चों? देखिए मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए, क्यों जरा समझिएगा लॉजिक को। अच्छा ये देखिए, यहां पर ये रो मैंने लिख दिया गलती से, ये प्रेशर होता है राइट। यहां पर प्रेशर जो है इसको हम लोग पी वन मान लेते हैं। ठीक है, इस रीजन में प्रेशर को हम लोग P1 मान लेते हैं और दूसरे रीजन में प्रेशर को हम लोग P2 मान लेंगे। ठीक है, यहां पर प्रेशर कितना है बच्चों? यहां पर प्रेशर P1 है और यहां पर प्रेशर हमारा P2 है। ठीक है, तो भाई यहां पर हो गया प्रेशर P1 प्लस हाफ रो इनटू V1 स्क्वायर। ठीक है, यहां पर मैं पहले बर्नौलीज प्रिंसिपल लिख रहा हूं, यहां पर प्रेशर है P1, ठीक है, प्लस हाफ रो, स्पीड है V1, तो V1 स्क्वायर प्लस रो जी एच प्लस रो जी एच। मैं बता रहा हूं क्यों यहां पर रो जी एच लिखने की जरूरत नहीं थी। देखिए यहां पर जो फ्लूइड का हाइट है, यहां पर भी तो वही हाइट है ना। ठीक है, बिल्कुल सेंटर पर अगर आप देखें तो जो हाइट यहां है वही हाइट यहां पर है, तो इसलिए इस साइड भी रो जी एच आएगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ये किसके बराबर होना चाहिए? इस कॉन्स्ट्रिक्टेड रीजन में प्रेशर है पी टू प्लस हाफ रो, स्पीड है वी टू, तो हाफ रो वी टू स्क्वायर प्लस रो जी एच। तो रो जी एच और रो जी एच हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और इस P2 को अगर मैं इधर भेजूं तो ये हो जाएगा P1 माइनस P2। क्या हो जाएगा? P1 माइनस
पी टू किसके बराबर हो जाएगा, हाफ रो वी टू स्क्वायर माइनस हाफ रो वी वन स्क्वायर होगा बच्चों। तो यहां से अगर मैं रो कॉमन ले लूं और हाफ कॉमन ले लूं तो हाफ रो वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर हम लोग ले सकते हैं, लिख सकते हैं। और देखिए वी टू हमारा है कैपिटल ए अपॉन स्मॉल ए इंटू वी वन, वो मैं यहां पुट करने जा रहा हूं। तो यहां से प्रेशर का डिफरेंस पी वन माइनस पी टू कितना आ जाएगा, हाफ रो, और अगर मैं यहां पर V2 की जगह लिखूं तो ये हो जाएगा, स्क्वायर करना है तो कैपिटल A स्क्वायर अपॉन स्मॉल A स्क्वायर इंटू वी वन स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर होगा बच्चों। और यहां से V1 स्क्वायर हम लोग ले लेते हैं कॉमन, ये हो जाएगा हाफ रो V1 स्क्वायर, ब्रैकेट में हो गया कैपिटल A स्क्वायर अपॉन स्मॉल A स्क्वायर माइनस वन होगा, क्लियर है बच्चों। अब नोटिस करिए P1 माइनस P2 को मैं क्या लिखने जा रहा हूं, P1 माइनस P2 को मैं लिख रहा हूं रो M इंटू जी इंटू एच। क्यों मैं ऐसा लिख रहा हूं, देखिए यहां पर प्रेशर है P1, यहां पर प्रेशर है P2, इसी प्रेशर के डिफरेंस की वजह से तो ये फ्लूइड राइज कर जा रहा है और वो किसके बराबर होता है, रो जी एच के बराबर होता है। तो इस फ्लूइड के यहां पर प्रेशर P1, यहां पर प्रेशर P2, तो इस प्रेशर के डिफरेंस की वजह से यहां फ्लूइड राइज कर रहा है, और जितना राइज कर रहा है भाई जितना ज्यादा प्रेशर उतना ही ज्यादा ऊपर तक राइज करेगा। तो भाई अगर इस वाले एंड को देखिए तो ये एच हाइट नीचे है और ये वाला एंड एच हाइट ऊपर है, तो एज अ रिजल्ट आप प्रेशर डिफरेंस को क्या लिखेंगे, रो जी एच, जहां एच क्या है इन दोनों के बीच का हाइट का डिफरेंस। तो चूंकि इसकी डेंसिटी रो एम है इसलिए मैंने इसको रो एम जी एच लिखा। ये प्रेशर पी वन माइनस पी टू इसके बीच का प्रेशर है, लेकिन अगर प्रेशर यहां पी वन है तो यहां भी तो प्रेशर पी वन होगा, यहां प्रेशर पी टू है तो यहां भी प्रेशर पी टू होगा, यानी कि प्रेशर का डिफरेंस है इसी वजह से ये राइज कर रहा है। तो राइज जो कर रहा है पी वन माइनस पी टू प्रेशर डिफरेंस की वजह से वो किसके बराबर, रो जी एच के बराबर, लेकिन इस फ्लूइड की डेंसिटी रो एम है और इसके हाइट का डिफरेंस एच है तो रो एम जी एच हो जाएगा। ये किसके बराबर हो गया हमारा, ये हमारा हो गया इक्वल्स टू हाफ रो वी वन स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वन होगा बच्चों। अब देखिए यहां से मैं क्या लिख रहा हूं, मेरे को वी वन स्क्वायर चाहिए तो मैंने इस साइड रहने दिया वी वन स्क्वायर, ठीक है, इस तरफ सिर्फ वी वन स्क्वायर क्योंकि हमें स्पीड वी वन चाहिए ना, V1 पता चल गया तो V2 पता चल जाएगा, तो मुझे V1 चाहिए तो V1 स्क्वायर छोड़कर बाकी सब को उधर ले जा रहे हैं, ये 2 इधर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा 2 रो एम जी एच अपॉन ये रो नीचे जाकर डिवीजन में हो जाएगा होगा बच्चों, और ये उधर जाकर रेसिप्रोकल हो जाएगा, इसको मैं लिख रहा हूं ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वन टू दी पावर माइनस वन। क्यों लिखा टू दी पावर माइनस वन, क्योंकि ये इधर जाकर डिनोमिनेटर में आ जा रहा है, मैंने न्यूमरेटर में लिखा है तो माइनस वन डाल दिया, क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मैं दोनों साइड रूट ले लेता हूं तो मेरा वी वन कितना आ जाएगा, रूट लेने पर हो जाएगा ये रूट टू रो एम जी एच डिवाइडेड बाई रो, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वन टू दी पावर माइनस वन बाई टू। देखिए ये v1 स्पीड निकल कर आ गया बच्चों, और इसी v1 स्पीड को कैपिटल a अपॉन स्मॉल a से मल्टीप्लाई करना है। v1 कितना आया है, v1 हमारा आया है टू रो एम जी एच अपॉन रो इसका रूट, और इसका रूट लेंगे तो टू दी पावर माइनस वन था पहले से, ये टू दी पावर माइनस वन बाई टू हो जाएगा, और V2 क्या आ जाएगा हमारा, V2 हमारा हो जाएगा कैपिटल A अपॉन स्मॉल a मल्टीप्लाइड बाय 2 रो एम जी एच डिवाइडेड बाय रो इसका रूट मल्टीप्लाइड बाय a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस वन टू दी पावर माइनस वन बाई।
ये देखिए दोनों स्पीड हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब आपको क्या चाहिए, आपको दोनों फ्लूइड की डेंसिटी चाहिए, इसके बीच में जो हाइट है वो हाइट चाहिए, ठीक है, और कैपिटल ए और स्मॉल ए के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप दोनों वेलोसिटीज जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों? तो ये हमारा वेंट्रीमीटर था, बर्नौलीज प्रिंसिपल को हमने यूज करके यहां पर अलग अलग रीजन्स में जो इस इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड का फ्लो है, स्पीड है, उस स्पीड को हम लोगों ने कैलकुलेट किया है। क्लियर है बच्चों? तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ। आज हम लोग यहीं समाप्त कर रहे हैं। अब जब नेक्स्ट लेक्चर हम लोग मिलेंगे तब वहां पर हम लोग विस्कोसिटी की बात करेंगे, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने फ्लूइड के जो लेयर्स हैं उनके बीच के फ्रिक्शन फोर्स को डिस्कस नहीं किया है, अभी तक हम लोगों ने उसको इग्नोर किया था, लेकिन अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में विस्कोसिटी की बात करेंगे, ठीक है बच्चों? इसे नोट कर लीजिए, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, पढ़ाई जरूर करिएगा।